हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा है हम लोग कैसे कोलकाता से शांति निकेतन बोलपुर पहुँचे। ये ऊपर आई लिंक बटन पे आप लोगों को वो वीडियो का लिंक मिल जाएंगे, आप लोग प्लीज़ देखिए उसको। तो अभी हम लोग, अभी टाइम बजा है 12:41, वी रीच बोलपुर शांति निकेतन और हम लोगों ने एक टोटो ले लिया है और टोटो से हम लोग जाएंगे। अभी यहाँ का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री मतलब इट्स टू मच है। सुबह हम लोग का ट्रेन था हावड़ा स्टेशन से 10 पास 10 पे, 10 बजे का ट्रेन पे, और शेड्यूल टाइम था 12:25। तो एकदम राइट टाइम में ही ट्रेन इधर पहुँचा है। बट देखिए अभी 12:43 हो गया है ड्यू टू ट्रैफिक ऑफ टोटो। हम लोग को दिखा देता हूँ, ये देखिए इट्स द सिटी ऑफ टोटो। तो 12:25 में निकले हैं हम लोग, 10 मिनट हो गया है, हम लोग यहीं पे है, अभी स्टेशन पे है, जैम पे। चलो सेकेंड फ्लोर তো এরকম রুম দেখে বুক করিনি। एक्चुअली हम लोग आने के बाद ही रूम लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है और इधर थोड़ा सा चेक इन भी बहुत ज़्यादा था। हम लोग को लेके गया अपने रूम में जो अलॉट किया हुआ था उसमें गया है, हम लोगों को पसंद नहीं आया, थोड़ा बहुत छोटा था। और फिर वहाँ से आया रिसेप्शन में बैग कंप्लेन अगेन वी चेंज दे चेंज द रूम। अभी इस रूम पे आए तो आने के बाद वो लोग हम लोग को देखे गया, ये क्या है, एक वेलकम ड्रिंक है, कुछ नहीं, नींबू पानी है, बट स्टिल इट्स अ जेस्चर, अच्छा लगा। प्रियंका टेस्ट करो, बताओ कैसा है। हाँ इट्स लेबू जल, नींबू पानी, दिया है। तो अभी हम लोगों ने लंच थाली ऑर्डर किया है ना, किसने ऑर्डर किया लंच का थाली? लोगों ने लंच का थाली ऑर्डर किया है, एक फिश थाली ऑर्डर किया है क्योंकि इसको मैं पहले खिलाऊंगी इसलिए। तो एक फिश थाली आने दीजिए, उसमें क्वांटिटी क्या है, क्या क्या खा जाऊंगा, अच्छा क्या क्या उसमें देते हैं सब देखना होगा, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। ये है दरवाजा से अंदर आने के बाद, ये
ये है वेस्ट बंगाल टूरिज्म शांतो बितान का कॉटेज रूम। रूम बुक करने का जो भी प्रोसेस है, कैसे बुक क्या करते हैं, वो सारा हम लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे दो बेड के दो साइड में दो स्टडी लाइट हैं, मतलब बेड लाइट यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, और यहाँ पे एक साइड टेबल है और इधर भी एक साइड टेबल है। और ये कबट बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत जगह है कबट के अंदर, बहुत बड़ा कबट है। यहाँ पे ऐसा दो चेयर रखा है और एक खाना खाने के लिए ऐसा एक छोटा सा टेबल है। अच्छा, ये रहा हम लोगों का फिश थाली, तो अभी देखेंगे फिश थाली में क्या क्या है। फिश का है, फिश यहाँ का, फिश यहाँ का, फिश कहाँ है। फिश थाली, और फिश थाली में यहाँ पे है क्या क्या, ये है फिश करी, ये है आलू पोस्तो, दाल, यहाँ पे है घी, यहाँ पे है पापड़, यहाँ पे है आलू भाते और बैंगन भाजा, यहाँ पे है चटनी, यहाँ पे है एक मिष्टी गुलाब जामुन, यहाँ पे है सैलड और एक चिली साथ में त्रिनंको के लिए। तो कौन खाएगा त्रिनंको, साथ में यहाँ पे दिया है नमक सॉल्ट और यहाँ पे टिश्यू पेपर, कौन खाएगा त्रिनंको? ये बसी है। हाँ, ये बसी है। चलो अभी त्रिनंको को मैं खाना खिला लेती हूँ। मैं खाना खिलाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं बेटा। रे, हाउ इज द फूड पापा? खाने के टाइम में मतलब मोबाइल मस्त है, ये बुरा आदत है, बुरी आदत है, आदत बुरी है। अभी टाइम है 2:36 और ये आ गया हम लोगों का लंच। अरे बाप, यहाँ पे है, हम लोगों ने लिया है एक्चुअली 2 प्लेट राइस, यहाँ पे है राइस, ये हो गया 2 प्लेट राइस, और यहाँ पे है 2 पीस, मतलब 1 प्लेट चिकन करी और 1 प्लेट दाल। चलिए, टाइम हो गया है 2:35 और अभी हम लोग हमारा लंच करेंगे। लंच करके हम लोग, मेरा बेटा सो गया है, लंच करके हम लोग शाम को निकलेंगे सोनाझुरी और आप लोगों को भी साथ में लेकर जाएंगे। अभी 5 बज चुका है और हम लोग अभी थोड़ा सा रेस्ट करके उठ के हम तीनों ही रेडी हो गए हैं। श्रीनांको रेडी हो गया है, श्रीनांको। ये देखिए मेरा मैडम, हाँ कमेंट में दीजिएगा जरूर, हाँ कैसे लग रही है। चलिए निकलते हैं, निकलते चल चल चल। नाम आते भी देखा बेटी, हम लोग जो रूम में ठहरे उसका नाम बाबू जाते हैं। देखिए, हम लोगों ने एक टोटो ले लिया है, अभी हम लोग जाएंगे सोनाझुरी घाट। दोस्तों, अभी हम लोग जहाँ पे हैं, ये है विश्व भारती का, विश्व भारती प्रेमिसेस के बाहर, ये रास्ते से जाते हुए ये ट्री यहाँ पे पड़ता है। ये ट्री को अच्छे से मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। ये ट्री है 150 साल पुराना और ये वही है जो बंगाली में सहज पाठ जो बुक होता है, वो सहज पाठ बुक के फ्रंट पेज में जो है वही। और यहाँ पे बैठ के रविंद्रनाथ टैगोर ने वो पहला अपना कविता लिखा था, कुमोर पारा गुरुगाड़ी, ये वही है ट्री। और ये देखिए, ये है यहाँ का नज़ारा। ये रास्ते से, इस रास्ते से हम लोग आए थे, आते हुए यहाँ पे ये पड़ता है।
এই গাছে হলুদ রঙের ফুল হয়, সেগুলো দুর্গা পুজোর আগে দেখা যায়, ওই জন্য সোনাঝুরি। अभी हम लोग आए हैं सोनाझुरी हाट में, और ये है सोनाझुरी हाट का पीछे पूरा हाट बैठा है। चलिए अभी हम लोग भी घूम के देखेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे। चलो चलो, Friends, it's a reason for me not to like a hat or a market. It's a reason for her to like it. You know, देखिए কবিতা লেখা আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, পড়তে পারবে না। আবি তো হমলোকা হো গিয়া সোনাঝুরি, আর हम लोग अभी जा रहे हैं। ये दादा ने बोला है कि अभी बहुत अच्छा सनसेट हम लोग को मिलेगा कोपाई से, तो अंधेरा होने से पहले हम लोग कोपाई जाएंगे सनसेट देखने। अभी और हम लोग अभी सोनाझुरी से निकल के जा रहे हैं कहाँ पे, होटल कोपाई, कोपाई रिवर जाएंगे, कोपाई रिवर। ये जगह को बोलते कोपाई नदी है, द फेमस कोपाई रिवर। ये रिवर है, रिवर है। हाँ, पानी तो ज़्यादा रहता है, बट अभी गर्मी का मौसम है तो सूख गया है पानी। ये जगह, यहाँ पे पूरा पानी भरा रहता है। नोंगरा देखे चलो, ये है कोपाई रिवर। यहाँ से हम लोग आए थे सनसेट देखने के लिए, है ना? फिर क्या हुआ? सनसेट देखने के लिए नहीं, एक मिनट रुकिए पापा, पापा एक मिनट, सनसेट देखने के लिए नहीं है, इतना खुला जगह है, गर्मी के अंदर आएंगे तो हम लोग सब जल जाएंगे। मतलब ये टाइम शाम के टाइम अच्छा रहता है, मतलब देखिए मौसम हाँ। बहुत बढ़िया है, एकदम गर्मी तो नहीं है, मेरे को तो हवा आ रहा है, अच्छा सा ब्रीज आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। मतलब कोलकाता में रह के ऐसा जगह में आने का मौका तो नहीं मिलता है ना, तो आ गया एकदम मौका था, दस्तूर भी था, तो है ना। तो चलिए अभी चलते हैं, चलिए अच्छा लगा नेचर के एकदम बीचों बीच आके शाम का टाइम ऐसे स्पेंड करना, हम लोग के वहाँ पे कोलकाता में तो है ही नहीं ऐसा जगह, तो वी एंजॉयड एक्चुअली। मौका मिलता था कुछ ऑक्सीजन भर के लेके चले जाता, बट ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, तो ऑक्सीजन ले लेते हैं जितना मर्जी। Thank you.
फ्रेंड्स, ये है भुवन डांगा हैंडीक्राफ्ट मार्केट। सोनाझुरी जहाँ पे आज हम लोग गए थे वो तो हैंडीक्राफ्ट मार्केट है ही, पर ये जो मार्केट है ये हमेशा रहता है, मतलब सुबह या शाम जब भी आएंगे आपको ये मिलेगा। सोनाझुरी में एक टाइमिंग फिक्स्ड है, पर यहाँ पे ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है, जैसे रेगुलर शॉप ओपन रहता है ये भी वैसे ओपन रहता है। तो अगर आप लोगों को सोनाझुरी जाने का मौका ना मिले या ख़रीदने का कुछ मौका ना मिले, देन यू कैन विजिट हियर टू बाय हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, रियली नाइस। गाइस, ये है हम लोगों का कॉटेज और यहाँ पे नाम भी है, बाद में दिखा रही हूँ। हम लोग सोनाझुरी और कोपाई घूम के आ गए हैं रूम पे, और रूम में आके अभी इवनिंग स्नैक्स हम लोगों ने ऑर्डर किया है होटल से ही, तो दिखाते हैं आप लोगों को इवनिंग स्नैक्स में हम लोग आज क्या खा रहे हैं। का इवनिंग स्नैक्स यहाँ पे है चिकन पकौड़ा हम लोगों के लिए, और यहाँ पे है सूप किसके लिए? मेरे। हाँ, मेरे। श्रीनाको के लिए सूप है और हम लोगों के लिए चिकन पकौड़ा है। तो चलिए अभी हम लोग खाते हैं। अभी हम लोगों का आ गया है, ये है तो कितना भरना पड़ता है? सेकंड स्नैक्स। और अभी हम कितना भर रहे हैं? पहला स्नैक्स हम लोगों ने खाया था चिकन पकौड़ा, और ये है हम लोगों का सेकंड स्नैक्स, ये है चिली चिकन। तो अभी हम लोग खाएंगे चिली चिकन। ताजा कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं मिलेगा ना। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল। ক্যা গুড লাগতে হ্যায় অর ব্যাড লাগতে হ্যায়? নাও দ্য টাইম ইজ 9:15 और हम लोगों ने हमारा रात का डिनर ऑर्डर किया है। हमारा नहीं, ये श्रीनांको का डिनर है, श्रीनांको के लिए ऑर्डर किया है। और डिनर में क्या क्या है दिखाते हैं। यहाँ पे है फाइन राइस एक प्लेट, और उसके साथ उसके लिए ऑर्डर किया है ये दाल। उसके साथ यहाँ पे है आलू भाजा, और है उसका फेवरेट ओ यहाँ पे फिश फ्राई, दो फिश फ्राई है। तो चलिए मैं इसको खिला लेती हूँ अभी, उसके बाद हम लोग डिनर करें। रहा हम लोगों का डिनर, और हम लोगों ने डिनर में ऑर्डर किया है एक थाली। यहाँ एक थाली में क्या क्या है आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पे है राइस, उसके साथ दोपहर की तरह ही यहाँ पे है बैंगन भाजा, आलू भाते, दाल, एक सब्जी और एक दो पीस पापड़, सालड, चटनी और ये मिठाई। और उसके साथ लट्टी का रखा हुआ हम लोगों के पास है आलू भाजा और राइस। तो चलिए आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अभी हम लोग का खाने का टाइम, और ये यहाँ पे फोन देख रहा है और ये प्लेट लेके बैठ गया है। तो आप लोगों से मुलाकात होगा हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। टिल देन सभी बहुत अच्छे रहिए, बॉनी बच्चन देखते रहिए, हम लोगों को बहुत सारा अपना प्यार देते रहिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर हम लोगों को लिख के बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 हम लोग का चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर 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 शेयर कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। कल फिर से हाजिर होंगे नए एक खूब सुंदर सा एपिसोड लेकर। टिल देन टाटा बाय बाय।